वाह वाह वाह, बात मुकम्मल कर दी आपने, लेकिन लोगों को तो बताना है ना कि कैसे बनाया। अच्छा मैं बताती हूँ, मैं पास ही थी। आपने इसमें लहसुन डाला है, ठीक हो गया, प्याज डाला है और ज़ीरा, धनिया, नमक, सूखा धनिया और नमक, और हरी मिर्ची डाल दी क्या? अभी नहीं डाली। तो ये आपने थोड़ा सा पानी डाल के इसको रख दिया पकने के लिए। ये बॉयल हो रहा है, थोड़ा पकाई की तरफ आएगा, फिर ये मेरा है घी, शी और अदरक, टमाटर वगैरह तब ऐड करेंगे। क्या मैं ठीक पहुंची? ठीक पहुंची, ठीक पहुंची। हाँ जी, तो अब हम ऐड कर चुके हैं दही और टमाटर, और अदरक अभी नहीं करना ऐड, अदरक और हरी मिर्च करने लगे कर देंगे हमारे सामने। हम इसको ढक, वाह वाह क्या खूबसूरती है, वी 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 लुक एट द कलर्स, सो कलरफुल। बस बंद कर दूँ, अब हम इसको ढक देंगे। तवे पे एक अपना ही शशका होता है ना डैडी? यस। हाँ जी, तो ये देसी बटर हम कीमे में डाल रहे हैं। देसी घी यूजली हम डालते होते हैं, लेकिन अभी हम जो है बटर यूज़ कर रहे हैं, अनसॉल्टेड। और एनो चुका नहीं चुकना, विल गेट melted, it will go inside by its own, और फिर भुनाई शुनाई का टाइम आ जाएगा, और फिर गार्निश करके इट विल बी ऑल डन। इतना सुंदर है बटर भी। हाँ जी, तो अनोखी है, पत्थर जब इस पर कोई वजनी चीज रखी जाए तो फिर ये टूट सकता है, कोई बड़ा पतीला मुझे लगता है। वो नहीं आ रहा अभी, इंटरनेट मजेदार काम है कि इसको जो है ना बस चढ़ा दिया तो भूल जाए, खुला पानी डाला हुआ, टेंशन कोई नहीं है। ठीक है, अब आलू क्योंकि जल्दी हो जाते हैं तो हम इसको बाद में ऐड करेंगे। ठीक है, उतनी देर तक हम बच्चों को पराठे शराठे खिला देते हैं। और रोजा माशाल्लाह से बेहतरीन जा रहा है हमारा, मजेदार जा रहा है। तो ये हो गया रेडी कीमा, और हमारे शेफ अंदर चले गए हैं, और हम, मैंने कहा आपको फाइनली इसकी शक्ल दिखा दूँ। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत शानदार है और शक्ल भी बहुत शानदार है। ये आज हमारी हो गई हैं दो रेसिपीज, ठीक है, तवा कीमा और भुनाई शुनाई के बाद ये डन है। और दूसरी तरफ इसमें से भी बड़ी खुशबूएँ आ रही हैं, ये भी खुलेगा तो आपको दिखाते हैं। अभी ये इसमें चीज़ें डलनी है, लेकिन वो बाद में डलेगी, तो ये भी ये पकेगा। हाँ जी, तो इसमें जो है ना हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, बोटी टूटी भी नहीं है और बेहतरीन गली भी है, तो यही परफेक्शन होनी चाहिए। अब हमने अदरक ऐड कर लिया है, एंड नाउ विल ऐड पोटैटोज़, वो भी जो है हमने इस तरह से ऐड कर लेने हैं, और ये क्योंकि जल्दी पक जाते हैं इसलिए हमने इसको बाद में ऐड किया है। और जब ये पक जाएंगे मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये हमने जो है लहसुन को मैंने आपको बताया था कि बाद में निचोड़ लेना है, तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे, अच्छी तरह से धो के साजू पका के बाद में निचोड़ लें, ये देसी तरीका है। ठीक है, ये हमारी बोटी बिल्कुल गल चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये गर्म है, मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल बेहतरीन गली है ये देखें। ठीक है, तो ये हम जब रेडी हो जाएंगे आलू वो भी हम चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम इसमें बोटियाँ ऐड करके एक उबाला कराएँगे, और फिर जो हमारा रोश रेडी टू बी सर्व्ड।
हाँ जी, तो ये हमारी ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। इसमें मैं वापस डाल दूंगी मटन, क्योंकि मटन ऑलमोस्ट हो गया था और मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि टूट ना जाए। तो ये हमारा जी हमारी हांडी तैयार है और ये बहुत ही मज़े का बनता है। थोड़ी सी मैं काली मिर्च सर्व करते हुए डालूंगी, अभी नहीं डाली वरना उसका कलर सारा जो ना काला काला हो जाता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बिल्कुल सर्व करते हुए काली मिर्च डालेंगे और ये देखेंगे ये रोस्ट तैयार है। और इसमें मैं हरी मिर्चें साबुत रख दूंगी ऊपर गार्निशिंग के लिए और साथ काली मिर्च। बस ये देख लें जी, रोस्ट तैयार है। इसका उबाल आएगा, हम इसको बंद कर देंगे। इट इज़ ऑल डन, ये आने लग गया उबाला। ठीक है, बोटियाँ डालने के बाद ये देखे ना, मैंने आलू भी देख लिया, आलू भी गल चुका है, बोटियाँ गल चुकी हैं, हर चीज़ गल चुकी है। शक्ल नहायत प्यारी, खूबसूरत, नहायत मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर आपने ट्राई करना है, बहुत हेल्दी है। हल्की आंच पे इसकी सारी यखनी निकली है, आप ख़ुद सोचें कि ये कितना हेल्दी होगा। तो आप यही चीज़ें रमज़ान में कोशिश किया करें कि बनाएं, क्योंकि पूरे दिन के बाद हमने प्रॉपर खाना खाना होता है। तो ठीक है, बीच में चस्का लग जाता है, उसके साथ हांडी कुछ ऐसी होना कि जो बिल्कुल हेल्दी हो। तो लुक एट दिस, माशाल्लाह रेडी है हमारा जो खाना है और हम इसको घर की रोटियों के साथ खाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।